हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में और उसका प्रूफ जानेंगे। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात कर लिया था, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी, उसका 10 प्रॉपर्टी थे, एक एक प्रॉपर्टी को हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल विंग्स इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके नोटिफिकेशन, जो भी आपको वीडियो अपलोड किया उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपका आज का टॉपिक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक। आइए जानते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने का नोटेशन क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। कोई तीन वेक्टर लेंगे, उसका हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है, ये तीन वेक्टर हो गया। अब उसको कैसे लिखेंगे, इसका कैसे लिखे, वेक्टर ए का पहले सी के साथ कराते हैं तो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा, फिर उसके कौन सा वेक्टर बचा है, बी, बी को पीछे से लिख लेंगे इंटू बी, फिर माइनस, अब देखिए ए का किसके साथ कराए थे, सी के साथ, अब ए का बी के साथ कराएंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बचा क्या, सी इंटू वेक्टर सी, ये लिखने का आपका तरीका हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी को आगे कर सकते हैं, वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी माइनस, इसको भी सी आगे कर लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक। इसको आपको याद करने का एक ट्रिक बताते हैं जिसे हम बैक एंड कैप रूल भी जानते हैं। कैप रूल से जानते क्या है उसे लिख सकते हैं, हमने किसी बुक में पढ़ा था, उसको उसी तरह देख लीजिए। देखिए इसको सबसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बैक एंड कैप, इसको लिख सकते हैं बैक कैप रूल, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। देखिए बी ए सी, यहाँ पे बी ए सी बी, फिर वेक्टर ए डॉट सी, फिर माइनस सी डॉट ए, आपको याद रहेगा हमेशा इससे, ठीक। अब आइए इसका प्रूफ जानते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के प्रूफ के बारे में, ठीक। प्रूफ कैसे करेंगे, मान लेंगे लेट अस कंसीडर मान ले रहे हैं कोई वेक्टर क्या है आपका ए है, वेक्टर ए बराबर मान ले हम, इसको तीनों डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, तीनों एक्सिस में, तो ए एक्स आई कैप हो जाएगा प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक। और वेक्टर बी को हम ले रहे हैं सिर्फ एक्स एक्सिस में, तो आपका क्या हो जाएगा बी एक्स आई कैप, क्या हो जाएगा बी एक्स आई कैप। हम मान लेते हैं कोई वेक्टर सी भी है, कौन सा वेक्टर, वेक्टर सी, समझ आएगा कि नहीं, देखिए वेक्टर सी मान लेते हैं क्या, इसको हम एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप, समझ आएगा कि नहीं। मान लीजिए हम कोई तीन वेक्टर लिए हैं ए बी सी, कंसीडर अपने मन से कर लिए हैं, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इतने के बाद हमको क्या करना है, हम बी क्रॉस सी का वैल्यू निकालेंगे, फिर जो आएगा वैल्यू उसके साथ ए क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद ए डॉट सी बी, फिर ए डॉट सी और ए डॉट बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर निकालने के बाद उसका बारी बारी से उसको हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन में सबका वैल्यू रखते जाएंगे, आपका एट लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो आइए समझते हैं, सबसे पहले इसको हम देखिए आपको दिखाते हैं, समझा दिए कैसे होगा। देखिए मान लेते हैं हमारे पास कोई तीन डायरेक्शन है, कौन कौन सा डायरेक्शन भाई, बोलो भाई, मान लिया भाई हमारे पास क्या है, ये के डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जी डायरेक्शन है। अब हमको वेक्टर ए दिखाना है, तो वेक्टर ए कहाँ पर होगा भाई, कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए हम देख रहे हैं कि वेक्टर ए क्या है तीनों एक्सिस में है, एक्स वाई जेड तीनों पे है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या जाएगा आपका वेक्टर, यहाँ पे तीनों डायरेक्शन हो जाएगा, नहीं आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पे वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक। अब वेक्टर बी की बारी है, तो देखिए वेक्टर बी कहाँ पे है, बता सकते हैं आप लोग, कोशिश करिए,
देखिए वेक्टर बी सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस कहाँ पे है देखिए यहाँ पे हमने थ्री डायमेंशन में दिखाया है, ठीक है। वेक्टर बी कहाँ है आपका, बी वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। चलो ठीक है, ये भी बी भी समझ में आ गया। अब बारी है वेक्टर सी, अब वेक्टर सी कहाँ पे होगा, वेक्टर सी क्या है एक्स और वाई एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो एक्स और वाई एक्सिस यही होगा कि नहीं, ये वाला एक्सिस आपका, तो क्या हो जाएगा जो इसका डायरेक्शन होगा वेक्टर सी का मे बी ये होगा, ठीक। यही एक्स और वाई के बीच में कहीं पे होगा तो मान लें यहाँ पे होगा, ठीक। ये तो समझ में आ ही गया होगा, कहीं पे डाउट, हम मान लें वेक्टर यहाँ पे है, वेक्टर बी से वेक्टर बी जो था एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा था यहाँ पे होगा, और वेक्टर सी क्या है एक्स और वाई दोनों पे लाइज कर रहा है, इन्हीं दोनों के बीच में होगा कहीं पे भी, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालेंगे। हरे राम, देखिए वेक्टर बी क्रॉस सी निकालते हैं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक। सबसे पहले हम वेक्टर बी का वैल्यू लिख लेते हैं, वेक्टर बी बराबर क्या है बी एक्स आई कैप, क्या है बी एक्स आई कैप, लिख लो भाई बी एक्स आई कैप है, चलो समझ गए बी एक्स आई कैप है। उसके बाद क्या है क्रॉस है, क्रॉस लगा लिए, ठीक। उसके बाद वेक्टर सी, वेक्टर सी आपका देखो यहाँ पे दिया गया है, वेक्टर सी को लिख लेते हैं, क्या है भाई सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप, चलो इतना तो समझ में आ गया, हमने उसका उसका वैल्यू रख लिया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, बी एक्स आई कैप का इसमें मल्टीप्लाई प्लस इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है करो। देखिए यहाँ भी आई कैप है यहाँ भी आई कैप है, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम सेम यूनिट वेक्टर सेम सेम है तो उसका वैल्यू क्या होगा जीरो होगा, लेकिन सेम यही अगर स्केलर प्रोडक्ट होगा या फिर डॉट प्रोडक्ट होगा उसका वैल्यू वहां पे वन होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई कैप सेम है इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जीरो आएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। इस फिर इसका इसमें करेंगे यहाँ आई है यहाँ पे जे है, तो जाएगा बी एक्स यहाँ पे क्या है सी वाई, यहाँ क्या है आपका आई कैप यहाँ पे जे कैप, इतना समझ में आ गया, ठीक है। हाँ समझ में आ गया। अब देखिए आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या आएगा, देखिए यहाँ पे इसको आप याद रखेंगे कि कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका यहाँ आई हो जाएगा यहाँ जे हो जाएगा यहाँ के हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे मान लो यहाँ से यहाँ चले फिर यहाँ से यहाँ चले फिर यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आई क्रॉस जे होगा उसका वैल्यू के हो जाएगा, जे क्रॉस के होगा उसका वैल्यू आई हो जाएगा, ठीक। अगर लेकिन नहीं उल्टा एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स डायरेक्शन में चले तो आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के लेंगे तो माइनस जे, के क्रॉस जे लेंगे तो माइनस आई। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है आई क्रॉस जे है ना, तो आई क्रॉस जे तो क्या जाएगा आपका वैल्यू के का, ठीक। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे आपका हो जाएगा इक्वल टू बी एक्स सी वाई के का, ये बी क्रॉस सी का वैल्यू आया है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो निकालिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब देखिए वेक्टर ए का वैल्यू हमको यहाँ पे मिला है, वेक्टर ए का रख दीजिए, क्या है आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी का वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे, क्या है आपका बी एक्स सी वाई के, ठीक। अब देखिए हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर इसका इसमें फिर इसका इसमें, ए एक्स आई कैप इसमें करें तो आपका क्या आएगा ए एक्स यहाँ पे क्या है बी एक्स सी वाई आई का के में, क्या आएगा आई कैप प्लस के कैप प्लस, अब इसका इसमें करेंगे ए वाई यहाँ पे क्या है आपका बी एक्स सी वाई जे का के में, जे का के में, और अब इसका इसमें करेंगे तो के सेम सेम है ना, सेम सेम है उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। अब देखिए आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या हो रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, क्या आएगा इक्वल टू माइनस जे, और उसके बाद इसमें क्या है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इसमें क्या आएगा आई, इसमें माइनस जे आएगा माइनस जे कैप इसमें आई कैप, देखिए ये निगेटिव में आएगा ये पॉजिटिव में आएगा, इसको हम क्या करेंगे पहले लिख लेंगे, पहले लिख ले रहे हैं क्या है आपका ए वाई बी एक्स सी वाई जे और के का के तो आई आ गया आई कैफ, अब इसका करेंगे निगेटिव में आएगा पहले निगेटिव लगा ले ए एक्स बी एक्स सी वाई आई का के में कर रहे हैं तो माइनस जे, माइनस लगा लिया यहाँ पे जे कैफ, अच्छा ठीक।
ठीक, एक इसका वैल्यू है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का। हम मान रहे हैं क्या, इसको इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखिए, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, इस वैल्यू का आप लोग ध्यान समझ लीजिए, क्योंकि हमको अभी ए डॉट बी और एक ए डॉट सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसको यहाँ पे प्रूव करेंगे, इसे स्पेस नहीं हुआ इसलिए इसको इरेज कर दे रहा हूँ। निकालिए, अब निकालना है वैल्यू किसका, वेक्टर ए डॉट डॉट बी। अब ए का वैल्यू कितना दिया था आपको, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये तो ए का है डॉट लगा दिए, चलो भाई। बी का वैल्यू कितना था, बी को हमने एक्स एक्सिस में शिफ्ट लिया था, तो क्या आ जाएगा आपका बी एक्स आई कैप। ठीक, आप देखिए, हमने बताया कि अगर स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो सेम यूनिट वेक्टर का क्या होता है, वैल्यू 1 होता है, लेकिन क्रॉस में होता है 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसका वैल्यू 1 होगा। आई आई का आई में करेंगे तो 1 आएगा, जे का जे में 1, के का के में 1, लेकिन यही आई का अगर जे में करे या के का आई में करे तो क्या होगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं, आई का हम किसमें कर रहे हैं, आई में, यहाँ क्या हो जाएगा ए एक्स हो गया, यहाँ पे क्या है बी एक्स। आई कैप इंटू आई कैप मतलब 1, जे का के आई में करेंगे 0, के का आई में करेंगे 0, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू कितना आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू ए एक्स बी एक्स। सेम इसी तरह निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्या आएगा, देखिए वेक्टर ए का वैल्यू लिख लीजिए, क्या है आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, वेक्टर सी हमने दो डायरेक्शन लिया था, किसमें किसमें, एक्स और वाई में, तो ये सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप। ठीक, अब मल्टीप्लाई करिए, सेम सेम वाला करिए, आई का आई के साथ क्या आ जाएगा ए एक्स सी एक्स प्लस वाई के वाई में, तो ए वाई सी वाई किसका आया वैल्यू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का। ठीक, अब देखिए, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हम ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई कैप से क्या करेंगे, उसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, मतलब एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, इसमें लिख लेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई कैप इन इक्वेशन फर्स्ट कमा वी गेट, तब हम क्या पाते हैं, देखिए अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी पहले ऐड कर रहे हैं उसके बाद माइनस करेंगे, तो लिख लेते हैं क्या आपका क्या है ए वाई बी एक्स सी वाई आई कैप। सबसे पहले प्लस कर दें, क्या प्लस करना है हमको ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई कैप, फिर उसके बाद जो है उसको उतार लेंगे, क्या है माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई जे का, फिर हमने यहाँ पे प्लस कर चुका है तो एक बार क्या करेंगे माइनस, क्या है आपका ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई कैप। अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा, देखिए इन दोनों में हम कुछ कॉमन बन रहा है वो लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन जो बन रहा है उन दोनों को लेंगे। देखिए इसमें क्या कॉमन बन रहा है, देखिए इसमें बी एक्स कॉमन है और आई कैप दोनों में कॉमन है, तो बचेगा क्या आपका ए वाई सी वाई प्लस ए एक्स सी एक्स, कॉमन क्या लिए हैं बी एक्स आई कैप माइनस लगा दो। ठीक, अब इसमें इसमें क्या कॉमन है, इसमें बी एक्स सेम है ए एक्स एस, इसमें ए एक्स और बी एक्स क्या है सेम है, क्या सेम है आपका ए एक्स और बी एक्स, तो बच क्या रहा है सी वाई जे कैप, माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा सी एक्स आई कैप, कॉमन क्या लिए हैं ए एक्स बी एक्स। ठीक, अब देखिए ध्यान से,
हम पहले उसका वैल्यू लिख लेते हैं, किसका इसका वैल्यू लिए थे, ठीक है, किसका इसका वैल्यू लिए थे, वेक्टर ए का लिए थे और वेक्टर बी और वेक्टर सी का वैल्यू लिए थे, उसको उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे हम, ठीक है। देखिए ये आपका वैल्यू क्या जाएगा, पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं, वेक्टर ए का वैल्यू क्या था आपका, यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, वेक्टर ए और बी और सी का वैल्यू लिख ले रहे हैं। वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया था आपका, वेक्टर ए इक्वल टू था ए एक्स आई का प्लस ए वाई जे का प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी को हमको सिर्फ एक केस में लिए थे, तो क्या आया था आपका बी एक्स आई कैप, और सी को क्या लेते हैं, एक्स और दो वाई में दोनों लिए थे, सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप, ठीक। देखिए ए वाई सी वाई प्लस ए एक्स सी एक्स, किसका वैल्यू आया है, ध्यान से देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का आया नहीं वैल्यू, ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए ध्यान से, देखिए इसका वैल्यू क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी के बराबर है, मतलब इसके जगह क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक। और बी एक्स आई का, बी एक्स आई का किसका वैल्यू है, वेक्टर बी का, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर बी, ठीक है, माइनस है माइनस लगा लिए। अब देखिए सी वाई आई कैप प्लस सी एक्स, सॉरी सी वाई जे कैप प्लस सी एक्स आई कैप, ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है हमें आपका वेक्टर सी का, ध्यान से देखिए ये वेक्टर सी का, यहाँ पे वेक्टर सी, और ये देखिए ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स किसका वैल्यू है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक। ध्यान से देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का यही वैल्यू हमको प्रूव करना था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हमको लाना यही था ना, वेक्टर बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, ये आपका प्रूफ हो गया, क्या हुआ आपका, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये तो समझ में आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक। स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं क्या होगा, ठीक है। आई होप आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिया, फिर वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए हम आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा इसके बाद कि हमने ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिया है, तो अगर हम ए बी को एक साथ ले ले, सी को बाहर ले ले, तब क्या होगा, तब के लिए देखते हैं, देखिए इसको हम इरेज करें उसके बाद, देखिए ध्यान से, अगर हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए और बी को एक साथ ले रहे हैं, क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को एक साथ ले लिए और सी को एक साथ ले लिए। देखिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था लेक्चर में कि हमने वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिवला को फेल करता है, मतलब फॉलो नहीं करता है, मतलब क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, ये तो बता दिया था। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसके इक्वल नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, एंटी होता है, मतलब उसका अगर हम माइनस लगा दे तो भी एक फॉलो करेगा, ठीक। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू हम यहाँ पे क्या जाएगा, इक्वल टू माइनस बाहर लगा दे तो ये क्या जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे सी लगा दे, ठीक। अब देखिए सी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं दोनों में, ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है, या फिर इसको आप सी को आगे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सी को आगे कर दीजिए, ठीक। उसके बाद माइनस जो है निगेटिव, उसका एडिटिव ऐसे ही बना रहेगा। अब सी का मल्टीप्लाई करिए, सी का बी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी बच्चा ए, ए को क्या करेंगे ऐसे पीछे लगा देंगे माइनस, अब सी का ए में करेंगे तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए ऐसे बी को पीछे लगा देंगे ऐसे ही सेम, ठीक है। अब देखिए जब हम माइनस को अंदर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, यहाँ पे बी हो गया, किसका वैल्यू है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू, इसको आगे लिख लो क्या है,
वेक्टर बी, फिर यहाँ पे क्या है वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए ब्रैकेट में वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, ऐसे भी हो सकता है, अगर हमने इसका पोजीशन चेंज कर दिया तो ये होगा। ठीक, आई होप आप लोग को पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में अब हम बात करेंगे, इसमें कुछ न्यूमेरिकल है, दो चार इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद हम जो भी अगला टॉपिक होगा वेज प्रोडक्ट है शायद हमारे ख्याल से, वो आपका उसके बाद पढ़ाया जाएगा, पहले इसके बाद हम न्यूमेरिकल कुछ करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ जाते हैं आप लोग के लिए। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।